हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जैसा कि आप लोग मोबाइल फ़ोन से पीडीएफ फॉर्म बनाना चाहते हो, पीडीएफ डॉक्यूमेंट की पीडीएफ या फिर टाइपिंग की पीडीएफ या फिर आप लोग किसी की पीडीएफ आप लोग डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बनाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हो, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ इस तरीके का पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है। इस तरीके की आप लोग पीडीएफ को फॉर्म में बनाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हो, आप लोग अपने स्मार्टफोन से, वो भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो 1 से 2 मिनट की होगी, ठीक है, तो वीडियो अच्छे से वर्क करेगा। हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जो बगल में बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाला हर नया अपडेट आप तक मिल सके। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपना फ़ोन में जो क्रोम ब्राउज़र होता है उसको ओपन करेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। दैट इज़ क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र। इसके बाद आपको सर्च बार में टाइप करेंगे स्मॉल पीडीएफ, ठीक है, smallpdf.com। ये ऐप यहाँ पे वेबसाइट आती है, तो आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करिएगा, ठीक है। इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक देखने को मिलता है पीडीएफ टू वर्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे देखने को मिलता है आपको मेजर पीडीएफ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखने मिलता है जेपीजी पीडीएफ, और यहाँ पे देखने को मिलता है सिंगल पीडीएफ, और यहाँ पे एडिट पीडीएफ, यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको डॉक्यूमेंट के साइज में लेना है, सॉरी, आपको यहाँ पे पीडीएफ आप फोटो के साइज में लेना है, फोटो है आपके पास और उसकी पीडीएफ बनाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे जेपीजी टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र। यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र। इसके बाद आपको फाइल पे क्लिक करेगा, फाइल पे क्लिक करने के बाद अगर आपके पास फोटो नहीं है तो कैमरे को फोटो लेकर आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। सपोज मानो यहाँ पे मेडिसिन है, मैं इसकी पीडीएफ लेता हूँ, एक मेडिसिन ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला फोटो ले लेता हूँ, और ये आप लोग जितना फोटो यहाँ से लेना चाहते हो ले सकते हो। इसके बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, 2 फोटो यहाँ पे आ जाते हैं। आप लोग यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो, क्रॉप यहाँ पे बड़ा छोटा करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है इस तरीके से, यहाँ पे 2 फोटो आ जाते हैं। अगर आपको कुछ और फोटो ऐड करने तो आप लोग प्लस पे क्लिक करके यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 2 फोटो की पीडीएफ फॉर्म में बनाना चाहता हूँ, तो इसके बाद कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरीके इंटरफेस आता है नज़र, थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखने मिलता है डाउनलोड, आपको यह पीडीएफ फॉर्म में आ जाती है तो उसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप वेट करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे भी ओपन हो जाती है पीडीएफ फॉर्म में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। 2 ही फोटो यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में आ जाते हैं। चलिए मैं फाइल मैनेजर को ओपन करके दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। इसके बाद फाइल मैनेजर ओपन करेंगे और यहाँ पे मेरी डॉक्यूमेंट पे आ जाना है, और यहाँ पे ई इमेज के नाम से एक पीडीएफ आ जाती है, तो आपको इस पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में आपकी यहाँ पे जो बन जाती है, आप लोग डॉक्यूमेंट पीडीएफ बना सकते हो, किसी आपकी बुक हो तो उसकी आप लोग फोटो लेकर या फिर ऑलरेडी पहले फोटो ले ली उसका पीडीएफ बना सकते हो, या फिर आप लोग अपने खुद की फ़ोटो की पीडीएफ बना सकते हो, ठीक है। जिसकी भी पीडीएफ बनाना चाहते हो यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। तो बड़ी आसानी तरीके से आप लोग किसी की फ़ोटो की पीडीएफ आप आसानी से बना सकते हो। फ्रेंड्स, कोई दिक्कत आ रही होगी फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आप कमेंट का जल्द से रिप्लाई देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।